हेलो दोस्तों, क्या आप बिटकॉइन के बढ़ते हुए रेट से लगातार खुश हो रहे हैं कि बिटकॉइन डे बाय डे बढ़ रहा है? दोस्तों तो दोस्तों अगर बिटकॉइन बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी कमाई होगी, लेकिन अगर बिटकॉइन घट रहा है तो क्या आप उससे दुखी हैं? दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसी स्ट्रेटजी कि बिटकॉइन घटे या बढ़े आपके इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स सारी प्रोसेस जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से दो साइड से मैं डॉलर में इनकम जनरेट करता हूं और वो आप भी कर सकते हैं। चलते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन साइट बिटकनेक्ट में। आज इस बिटकनेक्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन के घटने या बढ़ने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग इन करने के बाद दोस्तों इसको, ये मेरा डैशबोर्ड है, इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो बिटकॉइन का रेट था 19,000 तक जाने के बाद दोबारा ये 12,000 पे आ गया है। बहुत से लोग मार्केट क्रैश होना या कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन यही चीज़ कई लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई। अभी बिटकॉइन का रेट भी 380 आ गया है, जो जिसका रेट भी लगभग 400 से ऊपर चले गया था। अब दोस्तों ये साइट आपको हर पर डे देती है 1% लगभग। तो यहाँ पर अभी जब रेट कम हो रहा था तो मैंने ये जो पैसा है इसके लैंडिंग में लगा दिया था। ये इसमें मेरा कुछ बिटकॉइन है जो मैंने इसके लैंडिंग वॉलेट से इनकम जनरेट की है, तो इसको चेक कर लेते हैं प्री.com में। ये मेरा कितना बिटकॉइन है आप देख पा रहे होंगे, ये लगभग है ये 10,000 करीब 166 USD। अब मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि इस समय जब बिटकॉइन का रेट है कम, तो सबसे बेस्ट तरीका है इस समय बिटकॉइन परचेज किए जाए। तो अभी देखिए आप $13 को मैं ट्रांसफ़र करूँगा बिटकनेक्ट में, और बिटकनेक्ट में इस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। ये ऑल सेलेक्ट कर दिया, कन्फर्म, ये सक्सेस हो चुका है। दोस्तों जो भी मेरा डॉलर इसमें लैंडिंग बैलेंस में था वो कन्वर्ट होके हो चुका है बिट कनेक्ट में, BCC में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है जीरो, यानी जब रेट कम है तो आप बिल्कुल मत चुकिए, क्योंकि इसमें डेली आपका डॉलर आएगा। अब मैं कन्वर्ट करूँगा अपने बिट कनेक्ट को BTC में। तो दोस्तों यही मौका होता है जब बिटकॉइन का रेट कम है तो आप इसको मैक्सिमम खरीद सकते हैं। तो जब आपके बिट कनेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है डॉलर, तो अब आप अपने BCC को सेल करेंगे और BCC को कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन में। ये टोटल जो मेरे BCC हैं इनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ऑल करूंगा यहाँ पे, ये बिट लगाई और इसको सेल कर दूंगा दोस्तों। तो जो भी मेरा बिटकॉइन है वो BTC में, बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, स्पेशली न्यू लोगों को जो अभी अभी एक कॉइन मार्केट और इसमें आए हैं। देखिए दोस्तों ये सेल हो चुका है मेरा BCC, और अब मैं अपना चेक करता हूँ वॉलेट, ये नीचे चेक कर लेंगे। और जो भी मेरा बिटकॉइन था, देखिए दोस्तों मैंने डॉलर से बिटकॉइन में कन्वर्ट किया और बिटकॉइन से अब मैंने बिटकॉइन में अपना जो मनी था ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि अभी जो रेट है कम है दोस्तों। कल ये रेट अगर बढ़ जाता है तो जो भी मेरे डॉलर है इनकी वैल्यू वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन ज़्यादा हो कम हो, जो भी हम डॉलर हैं तुरंत अगर निकाल लेते हैं तो हमें जो भी डॉलर निकाल रहे हैं हम उसी का बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए ये टोटल बिटकॉइन है 166 मेरे हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो 13 बिटकॉइन मैंने अपने कन्वर्ट किए हैं बिटकॉइन में, और पहले के 166 दोनों मिला के अभी करीब 180 USD हो चुके हैं, इसके मतलब $180 के बिटकॉइन। अब इस बिटकॉइन को मैं अपने जेपे में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये रिसीव करने का बिटकॉइन एड्रेस है जहां पे आप क्लिक करके इसमें बिटकॉइन डाल सकते हैं, लेकिन मैं इससे विड्रॉ कर रहा हूँ। तो विड्रॉ में सेंडिंग बिटकॉइन वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा अपना बिटकॉइन का एड्रेस। ये मेरे 0.143 बिटकॉइन हो रहे हैं, आप इसको
इस पे preview.com में देख सकते हैं कितना है। ये मैं अपना एड्रेस जेपे का यहाँ पे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं क्लिक कर लूँगा, एड्रेस कंफर्म कर लूँगा कि मेरा एड्रेस राइट है या नहीं। ये आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि कहीं आपने गलत एड्रेस तो नहीं डाला ये ऑल करने के बाद, क्योंकि एक बार आपने गलत एड्रेस डाला तो वो पैसा कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। ये मुझसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि मेरा जो एड्रेस है वाकई में सही है। मैं कंफर्म कर दूंगा, मैं श्योर हूँ मेरा एड्रेस सही है। ये मैंने कंफर्म किया, और कंफर्म करते ही दोस्तों मेरा जो पैसा है सक्सेस हो गया। मेरे जो जेपे का अकाउंट है ये पैसा उसमें पहुंच गया इतना BTC, यानी पर डे इससे जो भी मेरी डॉलर में अर्निंग हो रही है मैं पर डे उस पैसे से बिटकॉइन खरीद रहा हूँ। और अगर बिटकॉइन का रेट ज़्यादा होता, ये देखिए दोस्तों मेरा बिटकनेक्ट ने मुझे कन्फर्मेशन मेरे मेल में डाल दी है कि मेरा इतना BTC उन्होंने मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि अगर बिटकॉइन का रेट बढ़ता भी है तो भी मैं डॉलर से खरीद के उसको निकाल लूँगा, और कम है तो हो सकता है उसको होल्ड करूँ थोड़े दिन, थोड़ा सा वेट करूँ वो बढ़ने का। तो बढ़े या घटे, मैं अपना डॉलर में अगर बिजनेस करता रहा तो मैं अपने डॉलर पर डिपेंडेंट रहूँगा। ये देखिए दोस्तों लैंडिंग वैलेट, बिटकॉइन वॉलेट और BCC वॉलेट तीनों मेरे यहाँ पे से जीरो हो चुके हैं। अब मैं वेट करूँगा, अपने जेपे का अकाउंट चेक करूँगा जहाँ मेरा ये जो बिटकॉइन है पहुँच चुका होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने बिटकॉइन में बिजनेस कर रहे हैं और बिटकनेक्ट को अभी ज्वाइन नहीं किया तो साइनअप लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। बहुत बेहतरीन साइट है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग मैंने $2100 इन्वेस्ट किया है, और लगभग लगभग अगर 1% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये लगभग $600 मुझे पर मंथ लगभग देगा। यहाँ देखिए मैंने इसमें $2100 इन्वेस्ट किया और $1000 मैं इसमें विड्रॉ कर चुका हूँ। ये मेरा सिर्फ कमीशन आया है, ये लैंडिंग वॉलेट का बैलेंस है मेरा। तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है दोस्तों। इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद मैंने इस बिजनेस से जो भी मनी था दूसरी साइड में इन्वेस्ट किया वो है रेसोनेंस। अब मैं आपको अपनी दूसरी साइड दिखाता हूँ इसमें मेरा कितना इन्वेस्टमेंट और ये साइड मुझे कितना देती है दोस्तों। तो दोनों ही साइट का जो साइनअप लिंक है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिए। तो रेसोनेंस को लॉगिन करने के बाद इस तरह इसका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे देखिए अब मेरा जो बैलेंस शो कर रहा है $53 दोस्तों, डॉलर है, और ये मेरा जो 53 शो कर रहा है ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 47 मुझे इस वीक का सेविंग अकाउंट में है। तो इसमें क्या है, मैं सेविंग अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में अपना जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करूँगा, उसके बाद ही दोस्तों मैं इसको विड्रॉ कर सकता हूँ। अभी देखते हैं मेरे एक वीक में जो मेरी ये अर्निंग है एक हफ्ते की ये जितनी होती है इंटरनेशनल लेवल पे और अपने जेपे के अकाउंट पे। तो सबसे पहले जो हम मेरा सेविंग में जो अमाउंट था उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा अपने पर्सनल अकाउंट में। इसके लिए हम जाएंगे फाइनेंस में, फाइनेंस में जाने के बाद ये एफिलिएट से जो भी मनी होगा इसको पर्सनल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये कन्फर्म करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट मेरी नीचे थी उसको मैं टाइप कर दूंगा यहाँ पे, ये 47 पॉइंट में डाल दिया मैंने, कंटिन्यू करूँगा। और कंटिन्यू करने के बाद तुरंत एक कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। अब इसने जो अमाउंट था मेरा 47.53 ये मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर इसमें मुझे जो भी विड्रॉ करना होगा रेस्टोरेंस में दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो मैंने इसका मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, पूरे रेस्टोरेंस का मैंने प्लान वगैरह शो किया है। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा जो सेविंग अकाउंट में था ये पर्सनल अकाउंट में $101 आ चुका है। आज मैं इसमें $101 जो है वो विड्रॉ करूँगा, तो शेयर करूँगा किस तरह से विड्रॉ करते हैं। तो इसमें विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मेरा 649 मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, इन्होंने मुझे कुछ बोनस दिया, तो टोटल मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 827.50 है, और जो अर्निंग मैंने की है इससे $156 दोस्तों। तो जो इन्होंने मुझे बोनस दिया था वो 75 अभी लॉक पीरियड में रखा, और आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पे एक भी एफिलिएट नहीं है, यानी जो पैसा मैंने लगाया मैं अपना ही पैसा
पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कोई एफिलिएट नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो जो लोग नेटवर्क नहीं बना सकते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन साइट है। आपको 6% वीकली इसमें विड्रॉ होता है दोस्तों। तो ये विड्रॉ करने के लिए दोस्तों इसमें आप मेन में जाएंगे और उसमें फाइनेंस में जाने के बाद आप अपना बिटकॉइन का एड्रेस इसमें पेस्ट कर देंगे। $101 मैंने इसमें से टाइप कर दिया है, विड्रॉ करूँगा। विड्रॉ करते समय दोस्तों एक चीज़ की खासियत है कि ये आपको आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें एक पिन कोड सेंड करता है। आपको सेम पिन कोड इसमें टाइप करना होगा। ये मैंने पिन कोड टाइप किया, इसे कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू करते ही ये कन्फर्मेशन मुझे देगा। ये कन्फर्मेशन आ चुकी है कि $101 बिटकॉइन। अभी यहाँ पे मैंने जो विड्रॉ कर रहा हूँ डॉलर में कर रहा हूँ और ये मुझे सेंड करेगा बिटकॉइन, यानी अभी बिटकॉइन का रेट कम है। मैं $100 जो निकाल रहा हूँ वो बिटकॉइन में निकाल रहा हूँ, यानी मैं बिटकॉइन $100 के खरीद रहा हूँ। इससे पहले आपने देखा होगा मैं जो $13 के बिटकॉइन खरीदे पहली साइड में, अब मैं खरीद रहा हूँ $100 के, $101 के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो बैलेंस है वो जीरो हो गया है। अब दोस्तों ये मेरा जेपे का अकाउंट है, जेपे में मेरा जो बिटकॉइन ये पहुँच चुका है। आप देख पा रहे होंगे 0.139 ये बिटकनेक्ट से आया है और दूसरा जो रेसोनेंस है वो देख पा रहे होंगे आप ये 0.0139714 बिटकॉइन ये मेरा रिसीव कर चुका है जेपे में। मोबाइल में आपका शायद अभी शो करूँगा कि किस तरह से मुझे उसका बेनिफिट होता है। ये मेरा $101 जो डॉलर रेसोनेंस से निकाला है ये उस अमाउंट का बिटकॉइन इन्होंने सेंड कर दिया है मेरे जेपे के अकाउंट में दोस्तों। अब इन दोनों को मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि ये कितना हो रहा है। दोनों को ये prep.com पे जा कर के चेक कर लेंगे दोनों को। ये लगभग 89.2 USD हो रहा है जो रेसोनेंस से मैंने $101 को विड्रॉ किया। यानी दोस्तों जब मैंने विड्रॉ किया तो उसके बाद जो रेट है वो और कम हुआ होगा, तो 101 का मेरा जो हो गया 89 हो गया है। और जो बिटकनेक्ट से मैंने विड्रॉ किया है उसको prep.com पे चेक करते हैं वो कितना होता है। ये देख पा रहे होंगे आप इसमें ये 189.5। अब दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ 189.5 प्लस 89 ये लगभग हो रहा है $278 मैंने अर्निंग की। तो दोस्तों ये मैं डॉलर में अर्निंग कर रहा हूँ, ये डॉलर में मैं निकाल रहा हूँ। अब मुझ पर फर्क नहीं पड़ता है कि बिटकॉइन बढ़े या घटे, मैं तुरंत अगर इसको निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली चीज़ मैं आपको हर अच्छी बताऊँगा, ये $178 ये 18,000 रुपये करीब इंडियन रुपीज़ में अगर हम 65 को पकड़े डॉलर का रेट, तो अब देख पा रहे होंगे 278 या 18,000 रुपये जब मेरे जेपे के अकाउंट में आते हैं, उसमें आप अपने जेपे में सेल में जा कर के इसी बिटकॉइन को टाइप कीजिए या पेस्ट कीजिए कितनी वैल्यू हो पा रही है। तो अभी देख पा रहे हो जो मेरे बिटकनेक्ट से $189 थे वो जो वैल्यू थी वो लगभग इसमें जेपे में हो रही है 14,908 रुपये। तो यानी दोस्तों इंडियन जेपे में और वर्ल्ड में जो रेट चल रहा है क्रिप्टो करेंसी का, दोनों में देखिए आप कितना डिफरेंस है। अभी दोनों को कैलकुलेट करके 278 आप याद रखिए, ये मैं उसकी अमाउंट टाइप कर रहा हूँ मेरे रेसोनेंस वॉलेट की, ये लगभग कितनी हो रही है। वो जो 89 थे ये लगभग 7,110 रुपये हो रही है, 7,010 रुपये। तो इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर लूँगा, 7,010 रेसोनेंस वाले और 14,908 बिटकनेक्ट वाले, दोनों मिला के 21,908 रुपये हो रहा है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा बेनिफिट अगर उसको सिचुएशन। तो देखा दोस्तों आपने कितना डिफरेंस आ रहा है
जेपे में जो अमाउंट है और इंटरनेशनल कॉइन पेमेंट में जो अमाउंट है, तो करीब करीब इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है जब हम डॉलर से जेपे में विड्रॉ करते हैं। तो कोशिश करें कि आप डॉलर को विड्रॉ करते रहिए, तो इससे बिटकॉइन के अप जाने पे या डाउन जाने पे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डॉलर में ही अपनी अर्निंग करते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस अप और डाउन होता रहेगा, इसका स्ट्रेटजी हम ये अपना सकते हैं कि जब बिटकॉइन का रेट थोड़ा कम हो उस समय खरीदते रहें और होल्ड करें, जब रेट बढ़े तो बेच दें, और जब रेट बढ़े हो तो हम उसको लैंडिंग वॉलेट में लगाते रहें और उससे डॉलर में अर्निंग करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों बिटकनेक्ट और रिसोनेंस के माध्यम से आपके और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हों, यही मैं वीडियो को रोकना चाहूँगा दोस्तों। तो एट लास्ट यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना बिल्कुल 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 मत भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।